देखो कितने मोटे मोटे पाले हुए निकल गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज मैं कराने चलने हैं पीआरपी। पीआरपी होंगी है प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, जो अपना ब्लड होंगे उसके विचों जो प्लाज्मा वाले सैल होंगे ने रिच उन्होंने काट के फिर स्कल्प च इंजेक्ट कराया जाता है, क्योंकि मेरे जुकरे च काफ़ी हेयर फॉल हो गया तो हेयर फॉल रुक नहीं रहा, तो मैं कराने चलिया। तो बाकी आ किले जी भी कटाने चलने स्किन चो, तो चलते हैं। तो आप ब्लड कढ़ाने पहला जगतार तो ब्लड भी दस मिलती करो, कमजोरी तो नहीं आती सरिंज भरे एड्डी वी दस एम एल खून बेचेगा। आ पी आर पी स्पैशल ट्यूब होंगी है, सू अनबॉक्सिंग भी करके दिखा दिए। ये प्लाज्मा ऑपरेट आ जाता है, ये की होंगे कैमिकल, ये जैल होंगी है। चाको आ अपना ब्लड पा दा, ये गाढ़ा ब्लड हो पूरा है ना। हूँ ये पा दा अपना ब्लड आ मशीन च, घूम घूम के सैपरेट कर दूगी प्लाज्मा। 10 मिनट हो गए सू लाई नू, हूँ देखते हैं रिजल्ट की नाम होंगे सेंटरफ्यूज। बाकी तुम जगतार डॉक्टर तो पूरे टेस्ट करा सकते हो सही रेट से। देखो आ उपरला प्लाज्मा है जड़ा पीला पीला है, हेठला ब्लड हूँ आ प्लाज्मा सैपरेट करूगा अलग ये आ पीला पीला प्लाज्मा है यार। देखो आ प्लाज्मा है, ये मेरे सिर से लगूंगा, ये इंजैक्शन लगेगा डॉक्टर। ऐ समझ लो भी जिम्मे अपनी बॉडी में जो आप फल सब्जियां खाइए तो इन्नी ताकत नहीं मिलती, जो तो मीट 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 खाते हैं तो प्रोटीन एकदम मिल जाता, वो कम है डाइट दे रहे हैं बस वालों। तो आप डॉक्टर साहब की क्लीनिक च आ गए, अपने नाल ने डॉक्टर अभिषेक बंसल। तो डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, इन्हों की जी मेन क्लीनिक लहरा कर गया। बाकी होर भी क्लीनिक है नहीं ब्रदर अपनी, होर भी क्लीनिक्स है जिदा टोहाणा के विच होगी। ओके इस तो अलावा पत्तना अपना सेंटर है, एक सेंटर अपना लुधियाना है, अपने तीन सेंटर होर ने। डॉक्टर साहब जिहड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है किन्ने दिनों का प्रोसैस है? ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 7-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ 90-95% ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀ ਆਰ ਪੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਗੇ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੀ ਆਰ ਪੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखो परसनली अगर मैं तुम पूछो ब्रदर, तो एक परसन नू जो बंदा जिदा हुण तुसी यूट्यूबर हो ना, तुसी एक फेम लाइन दे विच होंगे, तो थोनू चाहिए भी तुसी हर 4-5 महीनों दे विच एक सिटिंग लै लिया करो। ओके ठीक है, उहदे नाल की है एक मेंटेन रहिंदी है जिहड़ी स्ट्रेंथ है बाल दी। आपां स्टार्ट करदे हां पी आर पी। चलो आ देखो 4 सिरिंजां भरियां ने, किन्ने किन्ने किन्नी क्वांटिटी है भैया दी? 30 यूनिट्स। ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੰਜ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਪੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਕਢਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉੰਨੀ ਕੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਪੇਨ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਹਾਂ ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਸਰਿੰਜ। ਕਿੱਲ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਈ ਜੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕੱਢਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ, ਕੱਢਤੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ
देखो कितने मोटे मोटे पाले हुए निकले। बाकी अपने किरण निकल गए, जिहड़े थोड़े मोटे रह गए उन्हां दा वी ट्रीटमेंट आपां अगले सैशन च करावांगे। ते बाकी जिहड़े उरे कई लोग ना उरे तागा लवा लैंदे ने जां ओह लवांदे ने लाइक गूंद जी टाइप, पता नहीं की कहिंदे इहनां नूं, गर्म करके की लाया करदे ने उरे बाल जे पाड़ दिंदे ने, पता नहीं मैनूं नाम नहीं पता। तां तुसीं जे ओह सिस्टम तों वी बचणा है तां लेज़र नाल बाल ही खतम कर दिंदे ने, डेढ़ साल लोड़ नहीं। तो नैक्सट सैशन च मैं वह भी कराऊंगा, जो मेरे हेयर काफ़ी ग्रोथ है। तो बहुते लोगों के जिमें मेरा भाणजा है वो बगैड वाले बाल ने छाती के अड़े, उन्हों का भी ट्रीटमेंट है फुल बॉडी का भी। क्यों जगतार जी? हाँ जी हाँ, बाकी बिल्कुल बहुत वधिया रिजल्ट ने इहदे। हाँ, बाकी जगतार तो भी तुसीं टेस्ट करा सकते हो घट रेट ते। तां आपां आ गए कुलविंदर कोले, इहने जूस तां पाया नहीं, आ दुध लै गए। देखो दुध का खून नाल कोई संबंध नहीं, ना हैल्दी चीज़ है। ठीक है ते बाकी यार थोड़ा जा मेरा सिर थोड़ा जा फील हो रहा है, भी कुछ करा के आए हैं। बाकी ऑल गुड है, एक सैशन आप होर लवेंगे थोड़े दिन तक, फिर तुम दसागे सारा प्रोसैस क्या है। तो बाकी डॉक्टर साहब का मैं एड्रैस क्लीनिक नंबर डिस्क्रिप्शन च पा दूँगा, तुम कॉन्टैक्ट कर लिए जो किसी ने लेज़र बाल रिमूव कर कुछ भी करना हो। मैं आ गया घर, दुधी दुध पिलाता पहला कुलविंदर ने, फिर उस मैं उधर वग गया जी गुरप्रीत के घर। तो मैं थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है यार सिर च, ना फील हो रहा है, पेन नहीं हो रहा भी कुछ होया सिर च है ना। तो बाकी मैं फेस वॉश कर लिया जी आके, तो हूँ क्रीम लानी है। मैं चेंज कराया जैकेट पाया, ये विंडशील्ड है क्योंकि मीह आ रहा है। तो बाकी जो निम है ना, ये बड़ा यादगारी निम है क्योंकि बचपन के मेरे सारे दिन मेरे यार दोस्तों ये बीते आ, असी वो डंडा पलंघ बड़े खेडे हाँ, जिन्होंने पता है डंडा पलंघ क्या होंगे। तो बाकी साढ़े पिंड सरकारी स्कूल की कंध है, बहुत ये स्लोगन लिखे हुए हैं। तो तगड़ा व्यू है यार नेचर का, स्वाद आ रहा। तो बाकी 20 दिन हो रही है, उस तो बाद इंटरनेशनल ट्रैवल करांगे आपां। तो पहला मैं इंडिया भी घूमूंगा एक दो थान पर। इन्ना मी आ गया, देखो पानी खड़ गया रे, पानी खड़ गया, हुण गड्डी जा रही है चक्को। बाकी आ सरों देखो किन्नी घेंट लग रही है ना, पानी दे जड़े तुपके ने उपर खड़े ने इन्हों, बड़ा सोहना लग रहा है यार, जन्नत लग रहा है जमा। तुम सोचते होने पागली है मीह च आ गया बहर। एक्चुअली मैं डेली तुरदा घट्टो घट 7-8 हज़ार स्टैप तुरदा। मैं सब तो ज़्यादा स्टैप तुरया सी रशिया च, तो उदो सानू लिफ्ट नहीं मिली सी है ना, तो उदो 27 हज़ार स्टैप तुरे सी अभी दोनों, तो 21 किलो वजन चक के। बाकी सवाद आता यार यार ट्रैवलिंग का पार्ट ही तुरना है ना, क्योंकि तुर के घूमन का अलग ही स्वाद है किसी सिटी च। तो बाकी स्वाद आ रहा यार, बाकी मैं नेचर के नेड़े रहना ना बाला। बाकी अपने पिंड काफ़ी कुछ है, तुम दस्यो पिंड का ब्लॉग बनावा ज ना। तो आई गल बात सी, जे ब्लॉग वधिया लग्या तां लाइक करी, शेयर करी, जे नवें चैनल सबसक्राइब करी।